हनुमानगढ़ में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में सोमवार को इंदिरा गांधी नहर की रेगुलेशन कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में अनूपगढ़ विधायक शिमला बावरी, रायसिंह नगर विधायक सोना देवी बावरी, पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल सहित हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विधायकों ने किसानों की मांग के अनुरूप पानी देने की मांग रखी, जिस पर मुख्य अभियंता केएल जाखड़ ने बांधों में पानी की कमी का हवाला देते हुए चार में से दो समूह में पानी के बजाय तीन में से एक समूह में पानी चलाने का प्रयास करने की बात कही। मुख्य अभियंता ने कहा कि पानी की कमी के चलते हो सकता है कि विभाग को चार में से एक समूह में ही पानी चलाना पड़े, लेकिन अब मंगलवार को चंडीगढ़ में होने वाली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में ही राजस्थान के हिस्से का पानी तय होगा। लेकिन जो आज डैम की स्थिति है वो आज तक के डैम के इतिहास में सबसे खतरनाक स्थिति है। पिछले साल इस समय 1357 फीट डैम था, जो आज की तारीख में 1318 फीट, यानी 45 फुट के करीब डैम नीचे। बरसात का समय निकला जा रहा है, लेकिन बरसात के बिना डैम में पानी संभव नहीं और डैम में पानी के बिना किसान को पानी मिलना संभव नहीं। लेकिन हमारी सरकार, हमारे अधिकारी लगातार इस प्रयासरत में है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी कैसे दिया जाए। तो इस आज जो बैठक हुई है इसमें यह भी प्रयास किया जा रहा है कि चार में से एक ग्रुप पानी दिया जाए, लेकिन कोई कल चंडीगढ़ में फिर दोबारा बैठक है, उसमें हमारे अधिकारी चीफ साहब जा रहे हैं, उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि तीन में